let's read the question. Which graph is the best representation for the given equation y equals to 2x minus 1? So, which equation given है y equals to 2x minus 1? जो कि हम देख सकते हैं कि linear equation in two variables है, तो ये represent करेगा एक line को. अब हमें find करना है कि इसमें से कौन सा graph इस equation को represent करता है. तो बच्चों जब हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से विच इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां m रिप्रेजेंट करता है एक लाइन का स्लोप और c रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव y एक्सिस. तो बच्चों यहां अब हम देखेंगे तो हमें स्लोप की वैल्यू मिल रही है 2. एज वी नो जब tan 45 लेते हैं हम तो वैल्यू मिलती है हमें 1. तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हमें एंगल मिल रहा है दैट विल बी मोर देन 45 डिग्री. ठीक बच्चों, इतना हम लोगों ने अभी तक कंक्लूड कर लिया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनेगा वो मोर देन 45 डिग्री होगा. अब जो सेकेंड कंक्लूजन है कि हमें जो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस की वैल्यू मिल रही है वो -1 मिल रही है, इट मीन्स वो कौन से एक्सिस पर इंटरसेप्ट बन रहा है, वाई डैश पर. तो अगर हम चेक करें ग्राफ नंबर ए में तो यहाँ पर हमें स्लोप मिल रहा है tan इनवर्स 2 और यहाँ प्रोबेबल हमें ये वैल्यू क्या मिल रही है -1, तो दिस में भी टेंटेटिव करें. सेकेंड में बच्चों अगर हम चेक करें तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस में बन रहा है, तो दिस ग्राफ इज इनकरेक्ट. देन थर्ड में अगर हम चेक करें अगेन तो इंटरसेप्ट कहाँ बन रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में बन रहा है, तो ये ग्राफ भी इनकरेक्ट है. और बच्चों अगर हम डी ग्राफ में चेक करें तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं हमें जो स्लोप मिल रहा है सी और डी में ऑलमोस्ट वो कैसा है, ऑप्टियूस एंगल है. तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर बन रहा है, बट यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट बन रहा है. एंड बिकॉज ये दोनों जो एंगल्स हैं वो हमारे पास में ऑप्टियूस है, तो हम दोनों ही ग्राफ्स को रिजेक्ट करेंगे एंड करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. थैंक यू.